जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो आपके सामने मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो आस्तिक और नास्तिक के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि हम तो बहुत बड़े आस्तिक हैं, साधना पूजा उपासना अगर वो करते हैं तो समझते हैं कि हम तो बहुत बड़े आस्तिक हैं। और कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, किसी साधना किसी मंत्र किसी आध्यात्मिकता को नहीं मानते, तो वो सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े नास्तिक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं इसकी आपको पूरी व्याख्या करके बताऊंगा और पूरी तरीके से आपकी समझ में भी आ जाएगा कि हाँ भाई, वास्तव में हम आस्तिक हैं या फिर नास्तिक हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं। ठीक है, तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कुछ विषय के बारे में बता देता हूँ कि देखिए, आप रात्रि में कमेंट ना करें। मैंने बहुत बार क्या है आपसे बोला भी है कि देखिए, मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए। और कई लोगों से फ़ोन पर बातचीत नहीं हो पाती है तो वो समझते हैं कि जी पता नहीं, हमारी तो समस्या का समाधान ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, आप अगर मुझे मैसेज भी कर देते हो तो उसका जवाब आपको जल्दी ही मिल भी जाता है। तो आप अगर बातचीत ना हो पाए या फ़ोन से किसी भी तरीके से अगर ना कांटेक्ट हो पाए तो आप मुझे मैसेज कर दो या ऑडियो मैसेज कर दो, लेकिन छोटे शब्दों में करो। आप जो मेन प्रॉब्लम है उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, तो देखिए बात चल रही थी आस्तिक और नास्तिक में अंतर की। देखिए, अगर ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते हैं आस्तिक और दूसरे होते हैं नास्तिक। अब आस्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, जो ईश्वर को मानता है, भगवान में विश्वास रखता है, उसको हम आस्तिक बोलते हैं। ठीक इसके विपरीत होते हैं नास्तिक, जो कहते हैं कि भाई ईश्वर तो है ही नहीं, वो ईश्वर के अस्तित्व को मानते ही नहीं है। अब ना तो वो मंत्र में विश्वास रखते हैं, ना वो किसी आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं, और ना ही किसी देव के आने की, मान लिया कि भाई आप किसी की साधना उपासना कर रहे हो उसके प्रत्यक्षीकरण में विश्वास रखते हैं। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि भाई ये सभी साधनाएं आजकल खत्म हो चुकी हैं, साधनाओं से कुछ नहीं होता है, सब बकवास है, ढोंग है। ठीक है, तो वो ही नास्तिक होते हैं। अब यहां पर बात आती है कि भाई क्या ईश्वर का अस्तित्व है। देखिए, ईश्वर के अस्तित्व को पूर्ण रूप से स्वीकार करना या उसको नकारना दोनों ही लगभग असंभव हैं। अब वो कैसे? इसलिए कि किसी भी व्यक्ति का पूर्ण रूप से आस्तिक और नास्तिक होना भी असंभव है। पूर्ण रूप से वो आस्तिक भी नहीं हो सकता और पूर्ण रूप से वो नास्तिक भी नहीं हो सकता। इसलिए आस्तिकता और नास्तिकता के बीच में एक भ्रम बना हुआ है। अब इस भ्रम को तोड़ने के लिए ही मैं आज जो यहां पर आपके सामने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि आपके मन के अंदर कोई भ्रम ना रहे, क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के बहुत बहुत लेख लिखे जा चुके हैं, बहुत बहुत लोगों ने आपको बताया भी होगा। लेकिन यहां क्लियर कर दूंगा आज आपको कि देखिए, मेरी जो यहां पर आस्तिकता की जो परिभाषा है वो केवल इतनी है कि मेरे अंदर अंदर जो स्थित है परमात्मा को माने और उसका एक तरीके से हम अनुसरण करें, पूजा करें, उपासना करें, उसको महत्व दें। अब यहां पर एक बात और आ जाती है कि भाई अगर आप कोई साधना कर रहे हो और साधना में आप समझते हो कि भाई आपको किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं हो रहा है, या फिर साधना करते करते आप थक चुके हो और प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है, तो आप क्या समझोगे? आप समझोगे कि
कुछ भी नहीं है, नास्तिकता की तरफ चले जाओगे। अरे नहीं, सब बेकार है। हो सकता है कि इसमें मंत्र में ही शक्ति नहीं है, या फिर दूसरी और चीज़ों में सामग्री में कोई प्रॉब्लम है। मतलब कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर एक नास्तिकता का बीज पैदा हो जाता है। अब आस्तिक सही है या फिर नास्तिक सही है, भाई दोनों में से ये भी तो मानना चाहिए कि हमें कौन सा व्यक्ति सही है, आस्तिक वाले सही हैं या फिर नास्तिक वाले सही हैं। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति आस्तिक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सही हो। ठीक ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है, तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि भाई वो गलत है। किसी भी इंसान के सही या गलत होने का निर्धारण जो होता है ना, उसके गुण होते हैं, उसके कर्म, उसका स्वभाव, उसका चिंतन कैसा है, उसका चरित्र कैसा है और उसका व्यवहार, इनसे पता लगता है किसी भी इंसान के सही या गलत होने का। न कि उसकी जो मान्यता है उससे कोई पता नहीं लगता। और यदि आप सोच रहे हो कि भाई कि आस्तिकता किसी व्यक्ति के सही होने का प्रमाण पत्र है कि भाई ये व्यक्ति आस्तिक है, भगवान में विश्वास रखता है, तो ये व्यक्ति सही है, तो ये आप गलत सोच रहे हो। जब तक आस्तिकता को आप स्वयं अपने अंदर आत्मसात न कर लो, नास्तिक बने रहना ज्यादा बढ़िया है फिर। क्योंकि अगर आप आस्तिक बनना चाह रहे हो, भगवान में विश्वास रखते हो या रखना चाह रहे हो, तो उसमें पूर्ण रूप से विश्वास रखो। नहीं तो फिर भाई उससे बढ़िया तो नास्तिक ही है, जैसे कि रावण था, जैसे कि कंस था। तो यहां पर जो है स्वामी राम तीर्थ जो हैं वो ये कहते हैं कि अधूरा आस्तिक बनने से नास्तिक बने रहना सबसे अच्छा है। और वास्तव में अगर गहराई से देखा जाए तो जो हमारे तीर्थ स्थान होते हैं उन पर जितने भी लोगों का मेला लगता है, आस्तिक लोगों का मेला लगता है, जो तीर्थ स्थान होते हैं, उनमें से अधिकांश लोग बहुत ज़्यादा छुपे हुए नास्तिक होते हैं, छुपे हुए अंदर से। आपने देखा भी होगा कि भाई कहीं मेला लग रहा है और वहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ है। जरूरी नहीं है कि सारे आस्तिक हों, सारे भगवान में विश्वास रखते हों। वहाँ चोर भी होंगे, वहाँ जेब कतरे भी होंगे, वहाँ ईर्ष्यालु भी मिलेंगे, वहाँ धोखाधड़ी करने वाले भी मिलेंगे। अब बात वहीं पर आ जाती है, अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई उसके गुण, उसका कर्म, उसका स्वभाव, उसका चिंतन, उसका व्यवहार, ये सब चीज़ें बताती हैं कि हम आस्तिक हैं या नहीं हैं। अगर इन्हीं गुणों से व्यक्ति को पहचाना जा सकता है, तो अब अगर मेले में कितने लोग तो ये हैं कि अगर आपने देखा कि भाई हाँ मेले में गए हैं और चढ़ते चढ़ते चढ़ाइयाँ, मान लिया कि ऊंचाई पे है, चढ़ते चढ़ते वहाँ पे परेशान हो जाते हैं, तो वहीं कहने लगते हैं वहीं बैठ करके कि बस अब तू मेरी यहीं से मान ले, अब मेरे बस की नहीं है। अरे यार पता नहीं कहाँ कितने ऊपर और रह गया, अभी कितना और चलना बाकी है, या फिर लाइन लगी है भाई दर्शन के लिए, लाइन लगी है, लाइन तोड़ के अंदर आगे निकल जाएंगे, लाइन में नहीं लगेंगे, लाइन तोड़ के आगे निकलेंगे। लेकिन भाई आपको वो जो परमात्मा है जो अंदर बैठा है वो तो सब देख रहा है ना, उससे कैसे छिपोगे। तो ये आपका गुण और व्यवहारिक तो हुआ, इसी से पता लगा ना कि भाई आप नास्तिक हैं, विश्वास रखते हैं नहीं रखते। अब एक प्रश्न यहां होता है कि भाई छुपा हुआ नास्तिक किसको बोलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक रूप से तो ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं,
मतलब सबके सामने वो ईश्वर के अस्तित्व को नकार देंगे कि भाई ईश्वर है ही नहीं, भगवान नहीं है। उन्हें स्पष्ट नास्तिक कहा जा सकता है कि भाई हाँ ये नास्तिक है। किंतु कुछ लोग बाहर से तो आस्तिक होंगे और आध्यात्मिक होने का पूरा दिखावा करते हैं वो, किंतु उनके जो गुण होते हैं, उनके कर्म होते हैं, उनका स्वभाव होता है, वो बिल्कुल एकदम नास्तिकों की तरह होता है। मान लिया कि आप भगवान में पूरा विश्वास रखते हो, बहुत पूजा पाठ करते हो, बहुत आप दान दक्षिणा देते हो, दान भी बहुत करते हो, तो अब क्या आप पूर्ण रूप से आस्तिक हो गए? नहीं, क्योंकि आप अगर लोगों से घृणा करते हो, आपके अंदर प्रेम नहीं है लोगों के लिए, जीव के लिए प्रेम नहीं है, या फिर आपके जो गुण हैं, जो कर्म हैं आपके, या जो आपका स्वभाव है कि आप किस स्वभाव के हैं, वो आपके स्वभाव अगर नास्तिकों की तरह हैं तो उन्हें आप छुपे हुए नास्तिक बोलेंगे। इसलिए आप छुपे हुए नास्तिक हो सकते हैं फिर। और ऐसे लोग जो होते हैं वो ईश्वर और धर्म इनकी आड़ में सिर्फ अपना धंधा चलाते हैं, जो छुपे हुए आस्तिक होते हैं, ईश्वर को नहीं मानते वो। अब आस्तिकता और नास्तिकता में अंतर क्या होता है? देखिए, असल में आस्तिकता और नास्तिकता में बहुत छोटा सा मामूली सा अंतर है, जिसे पकड़ने के लिए गहन एक जो कहते हैं ना कि उसको गहन समझने की आवश्यकता है। आप क्या समझते हैं कि भाई आप आस्तिक हैं? लेकिन आप खुद से पूछिए, मुझसे तो नहीं पूछना है ना किसी और से पूछना है, आप स्वयं से पूछो कि क्या मैं आस्तिक हूं, क्या मैं ईश्वर के अस्तित्व को मानता हूं। अगर आप ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं तो फिर कोई आप गलत कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो गलत कार्य आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। यदि करते हो गलत कार्य तो फिर आप ईश्वर को कहां मानते हो? ईश्वर को तो आप फिर मानते ही नहीं हो। भाई आपको पता है कि अगर मैं कोई गलत कार्य करूंगा तो मुझे उसका दंड मिलेगा, जो मैं पाप करूंगा उस पाप का मुझे भोग भोगना पड़ेगा, मुझे उसका दंड मिलेगा, तो आप पाप कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप फिर भी करते हो तो फिर कहां आप ईश्वर के अस्तित्व को मानते हो? आप मानते ही नहीं। फिर एक तरफ तो आप बोलते हो कि भाई हां भगवान है और वो सबके किए का दंड देता है, दूसरी तरफ गलत कार्य भी हो जाता है, तो कैसे संभव है? अब आप अंदर से मानते नहीं हो फिर उसको उस तरीके से। क्या जो एक बच्चा होता है वो अपने बाप के सामने कोई गलत कार्य कर सकता है? और यदि वो नहीं कर सकता तो फिर आप कैसे ईश्वर से छुपे रह सकते हो, कैसे उस परमात्मा से आप बच सकते हो? और यदि आप सोचते हो कि आप भगवान की आंखों में धूल झोंक देंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। उसकी आंखों में धूल कोई भी नहीं झोंक सकता है। उसने तो भाई हमें बनाया है, हमें भेजा है, वो परमात्मा है, वो परमपिता है, तो उसकी आंखों में धूल कैसे झोंक सकते हो आप? नहीं झोंक सकती है। और यदि आप स्वयं से ही ईमानदारी से अगर आप प्रश्न भी पूछें और उत्तर भी जानें, अपने आप से ही अपने आप से प्रश्न करो और उत्तर भी खुद ही दो, तो हम पाएंगे कि हम भी छुपे हुए नास्तिक हैं। आपको जवाब स्वयं मिल जाएगा। और इस बात को हर कोई व्यक्ति नहीं समझ जाता, ना ही उसको समझ सकता है ठीक तरीके से। और जिसने समझ लिया
जिसने इसको अपने हृदय में धारण कर लिया और इसको धारण करने की कोशिश वो करता है तो उसके सामने इतनी समस्याएं आती हैं, इतनी समस्याएं आती हैं कि वह स्वयं को कमजोर महसूस करता है वो। लेकिन इसके बावजूद फिर भी वो अगर डट करके वहां पर केवल ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है, उस भगवान को ही समर्पित हो जाता है कि भाई अब तो जैसा करेगा तू ही करेगा और कोई नहीं है, अच्छा कर बुरा कर। असल में वही जो है सच्चा आस्तिक है कि जो करना है ईश्वर करेगा, सच्चा आस्तिक वही है। और वास्तव में ही अधिकांश तो जो है ना भ्रम जाल में ही जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि सुबह से हम मंदिर जाने से या दो अगरबत्ती लगा देने से उन्हें आस्तिकता और आध्यात्मिकता का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, लेकिन ये एक भ्रम है। ये यदि वो अपने गुण कर्म स्वभाव चिंतन चरित्र और व्यवहार को अपने इष्ट देव के अनुरूप बनाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि बहुत से लोग जाते हैं मंदिर भी जाते हैं, सुबह सुबह लोटा लेकर के जाएंगे वहां भगवान से ऊपर जाकर के लोटा ढालेंगे, जल चढ़ाएंगे, सारे रास्ता ओम नमः शिवाय करते हुए आएंगे और जिसकी भी मतलब पूजा करते हैं चाहे वो किसी की भी करते हों तो उन्हीं का नाम जपते आएंगे, घर से नंगे पैर जाएंगे। लेकिन अगर आप उनकी दिन भर की दिनचर्या देखो, उनकी अगर दिनचर्या देखो तो वो जो दैनिक जीवन में जो कर्म करते हैं और जो उनका स्वभाव है वो इतनी धूर्तता का भी काम करते हैं, इतनी धूर्त काम कर भी कर जाते हैं कि बस आप आंख बंद कर लोगे, कानों में उंगली डाल लोगे। अब कोई व्यक्ति ये सोचे कि भाई मैं तो बहुत बड़ा आस्तिक हूँ, मैं तो मंदिर भी गया हूँ और मैं तो जो है रोज पूजा करता हूँ, अब दुनिया की नज़रों में तो आप करते हो लेकिन दुनिया की नज़रों में वो दूसरा काम भी तो कर रहे हो ना, किसी को झूठ भी बोल रहे हो, किसी का गला भी काट रहे हो, किसी का हिस्सा भी मार रहे हो, भाई भाई के हिस्से को खा रहा है, अपना ज्यादा हिस्सा पाने के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, हिस्सा लेने के लिए या संपत्ति को छीनने के लिए पिता की हत्या कर रहा है, पिता को पागल बना रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को अगर वो पड़ोसी है तो सोच रहा है कि चला इसका बेड़ा गर्क हो जाए, तो भैया कहाँ की आस्तिकता रह गई, अब तो वही छुपे हुए नास्तिक वाली बात आ गई कि भाई एक तरफ तो आप भगवान को मान रहे हो लेकिन दूसरी तरफ भगवान को मान भी नहीं रहे हो। यदि आप ऐसे कार्य कर रहे हो तो भगवान को कहाँ मान रहे हो, आपको डर ही नहीं है फिर उसका, तो ये ना तो आस्तिक हैं और ना ही नास्तिक हैं, ये बीच में अटके हुए हैं। और मैंने क्या सभी ने कहा है कि बीच में अटका हुआ व्यक्ति सही नहीं होता, वो तो त्रिशंकु की तरह हो जाता है जो बीच में अटक जाता है। तो कहने का मेरा मतलब यहां पर यह है कि भाई अगर आप आस्तिक अपने आप को मानते हैं, आप साधना करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, तो पहली बात तो ये कि गलत जो कर्म हैं उनको बिल्कुल ना करें, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, व्यवहार से अच्छे बने, व्यवहार आपका बिल्कुल एकदम सात्विक होना चाहिए, क्योंकि आप अगर ईश्वर को मानते हैं तो उससे डरो कि हम कोई गलत कार्य ना करें जिससे कि हमें उस पाप का भाजन भरना पड़े। क्योंकि अगर आप ईश्वर को मानते हैं, अगर
नहीं मानते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो भाई आप नास्तिक ही हैं पूर्ण रूप से। और ऐसे व्यक्तियों को तो जो भरना है वो तो भरेंगे ही भरेंगे, बचेंगे वो भी नहीं। वो सोचते हैं कि भाई हम भी बच जाएंगे, नहीं, दंड तो उन्हें भी मिलना है। लेकिन अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो, क्योंकि साधनाएं जो होती है ना, साधनाएं अगर आप करते हैं आपको सफलता भी इसी सीढ़ी से मिलती है कि भाई एक तरफ तो आप साधना कर रहे हो, आप विश्वास कर रहे हो साधना में, दूसरी तरफ आपका जो व्यवहार है या गुण है या कर्म है वो आपके साधना के अनुरूप नहीं है, तो आपको साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। सिद्धि केवल उन्हीं को प्राप्त होती है कि भाई आप साधना तो कर रहे हो लेकिन आप अपनी इन चीजों पर भी कंट्रोल कर रहे हो, यानी आप वहां तो ईश्वर की पूजा कर रहे हो, ईश्वर को मानते हो, तो आप यहां भी मान रहे हो। आप उससे हर प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का स्वरूप देख करके उससे बात कर रहे हो, प्रत्येक जीव में, क्योंकि एक जीव अगर आपके पास आता है ना, तो कोई भी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो या और कोई दूसरे पशु पक्षी हो, पशु पक्षियों में, पक्षियों में जैसे कि चिड़िया, तोता, ये सब हो गए, तो वो कब आपके पास आएगा? जब उसको ये लगेगा कि मुझे कोई खतरा नहीं है, इस व्यक्ति से मुझे कोई खतरा नहीं है, तब वो आपके पास आएगा। आपके पास आकर के वो दुम भी हिलाएगा, पक्षी है तो चीचहा भी करेगा, और आपके हाथ से खाना खा लेगा। अब अगर पक्षी है, आप दाना डाल दो, अगर आप उनको रोज दाना डालते हो ना और वहीं बैठे रहते हो, तो एक दिन ऐसा होगा कि वो पक्षी आपके पैरों में आकर के वहां दाना चुगेंगे, आपसे वो डरेंगे नहीं और ना ही उड़ेंगे वो, क्योंकि उनका पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि आप उनके लिए कोई खतरा नहीं हो, सिर्फ उनको भोजन देने वाले एक धर्मार्थी हो। इस चीज को ईश्वर देखता है कि भाई ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति दूसरों को भोजन खिला रहा है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो। अगर आप किसी को, कोई भी पशु आए, चाहे आप कुत्ते को, चलो ठीक है, कुत्ते को ही डाल रहे हो, कुत्ते को लाठी मारो, तो आपकी मानसिकता कैसी रह गई, व्यवहार कैसा हुआ आपका उस व्यवहार में? और जो एक व्यक्ति दाना डाल रहा है, खिला रहा है, उस व्यवहार में कितना अंतर है, उसके अंदर कितना प्रेम है और उसके अंदर कितनी नफरत है? और प्रेम में ही भगवान बसते हैं, प्रेम ही भगवान है। तो वो कुत्ता आपके पास नहीं आएगा, अगर आप उसको रोटी भी दिखाओगे ना तो वो दूर से ही देखेगा खड़ा होकर के, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है आपके ऊपर। तो ये आपका गुण ही तो हो गया कि आपके गुण कैसे हैं। ऐसे ही होता है साधनाओं में भी कि भाई एक तरफ तो आप साधना कर रहे हो, दूसरी तरफ आपको विश्वास नहीं है, तो वो ना तो आस्तिक रहे ना नास्तिक रहे, बीच में लटक जाते हैं और साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इन चीजों का विशेष महत्व है जब आप साधनाएं करें तो, ठीक है। तो देखिए, इसी के साथ अब मैं समझता हूं कि आपको बहुत कुछ पता लग गया होगा जो मैंने आपको बताया है, और अपने आप को ढालने की कोशिश करना, आप खाली सुन करके समझ करके छोड़ मत देना, इस पर चलने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप चलोगे इस पर तो वो आपके लिए ही फायदेमंद होगा।
इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।